और मेरा अंडरवियर कहाँ रह गया यार? काला पीला लग रहा है, मुझे भी जल्दी बताओ नहीं तो फोड़ दूंगा। कुछ काल बोलोगे कुछ मुंह बना के खड़े हो? अरे मैम ने लिफ्ट मांग ली थी बारिश की वजह से, उनके घर पर छोड़ने चला गया, भीगते हुए चला ही, अंडरवियर उतार लो, गीला हो गया, उससे रैशेज हो जाएंगे तुम्हारे। तुम्हारी मैडम को बड़ी चिंता थी तुम्हारी रैशेज। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों अभी अभी मैं ऑफिस से आया हूँ, रंजना को चाय बनाने भेज दिया है। जल्दी जल्दी बताते हैं कौन सा प्रैंक कर रहा हूँ। चड्डी चोरी प्रैंक है, यानी फॉरगेट अंडरवियर प्रैंक। ठीक है दोस्तों, वीडियो में बहुत मजे आने वाले हैं। और कहाँ पे भूल गया अंडरवियर का प्रैंक, वो आप प्रैंक में देखो। ठीक है, वीडियो पसंद आया लाइक करना, चैनल में नए हो सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ आपसे वीडियो के एंड में। चलिए ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। नहीं यार, सिर्फ इलायची वाली चाय मिलेगी, अदरक वाली नहीं मिलेगी। अदरक खत्म है, मैं जा रही हूँ अभी, डुगू का भी सामान लाना है स्कूल का, और सब सब्जी वगैरह भी लेने जा रही हूँ। अरे कहाँ अदरक वगैरह लेने जा रही हूँ, पहले चाय पिला दो। पहले चाय बना के कह तो रही हूँ, इलायची डाली, सिर्फ अदरक नहीं डाला है इसमें। ठीक है, कपड़े चेंज कर लो ना, आए हो बैठे क्यों? कर रहा हूँ कपड़े चेंज यार, जा रहा हूँ यार, कपड़े चेंज कर रहा हूँ। अरे घड़ी तो उतार लो कम से कम। रुको जरा, सबर करो। अरे उतार तो रहा हूँ ना सब यार। चाय पिला के मैं जा रही हूँ जल्दी से, लेट हो गया वैसे भी। अरे तो अभी यार 7 बज गए, अंधेरा हो गया, पकड़ ले आना सामान। अरे इसके डुगू के स्कूल का लाना है कुछ जरूरी सामान मुझे। तो चाय बिना अदरक की पी लूंगा ना, पिला दो। तो बनाने तो रख दी है, क्या बोल रही, सुनना ही नहीं दे रहा। बनाने रख दी है मैंने, बन रही है, इलायची डाली है, अदरक नहीं डाला है। वैसे एक तो बारिश की वजह से लेट हो गया। मेरी गलती, बारिश की वजह से लेट हो गए। और ये मेरा अंडरवियर कहाँ रह गया यार? क्या हो गया? दांत तेरे की, मेरा अंडरवियर रह गया मैडम के यहाँ पर। अंडरवियर मैडम क्या क्या कर रहा है? सीनियर मैम के यहाँ। वहां कैसे चला गया तुम्हारा अंडरवियर, तुम यहाँ भी हो तो? टपा टप टपा टप टपा टप, मालूम ना, समझ रहे हो? उसके क्या पैर निकल आए क्या, अपने आप चला गया? अब बोलोगे कुछ मुंह बना के खड़े हो? अरे मैम ने लिफ्ट मांग ली थी बारिश की वजह से, उनके घर पे छोड़ने चला गया, भीगते हुए चला गया। मैम ने कहा क्या बताऊं तुम्हें, बारिश में भीगते हुए चला गया, फिर क्या हुआ? अंडरवियर कैसे छूट गया तुम्हारे वहां? काला पीला लग रहा है, मुझे भी जल्दी बताओ नहीं तो फोड़ दूंगा। कुछ काला पीला नहीं किया यार, उसका पति मुझे मार डालेगा, बता रहा हूँ मैं, इतनी बड़ी पोस्ट पर है वो। पति क्यों मारेगा, क्या कांड करके आई हो बताओगे मुझे? मैं कुछ कांड करके नहीं आया। तो अंडरवियर वहां कैसे छूट गया? अरे बैठ जा यार, सुन लो पहले यार। मैं क्यों बैठू, मैं बैठू ना, मैं खड़ी रहूं, मेरी मर्जी। तुझे जो पूछा है वो उसका जवाब दो। खराब करके रख दिया। आज के टाइम में इतना कलयुग आ गया ना, इन्हें अपने हस्बैंड पे विश्वास नहीं कर सकती कोई औरत। अच्छा। मैम ने मुझसे कहा अमीर मुझे छोड़ दो घर पे, रास्ते में हो गई बारिश स्टार्ट, उन्होंने बारिश की वजह से कहा था, अब बारिश में भीगते हुए गए, अब मैं उनके घर पे छोड़ते हुए गया, मैं आ रहा। नवीन बैठ लो, बारिश हो रही है, चाय पी के चले आना। चाय पीने के चक्कर में कहा नवीन कपड़े चेंज कर लो, मैं तुम्हें अपने हस्बैंड के कपड़े दे देती हूँ, तब तक तो मैं इस्त्री करके सुखाने दे दूंगी। फिर मैंने कहा नहीं मैम, मैं हस्बैंड के कपड़े नहीं पहनना, मैं किसी दूसरे कपड़े नहीं पहनता, मैंने टॉवल पहन ली। अब कह रही अंडरवियर उतार लो, गीला हो गया, उससे रैशेज हो जाएंगे तुम्हारे। तुम्हारी मैडम को बड़ी चिंता थी तुम्हारे रैशेज हो गए। मैं बाथरूम में गया, पहले कपड़े दे दिए, टॉवल पहन के आ गया, कह रही बाथरूम में चले जाओ, अंडरवियर दे दो। उन्होंने स्त्री करके दे दी, उन्होंने उस पे स्त्री नहीं करी। तुम पागल हो गए क्या? और तुम उनके सामने कैसे बैठे थे चाय पीने? अंडरवियर उतार के टॉवल, खाली टॉवल में बैठा था, खाली टॉवल पहन के। तुम्हें बैठने का सहूर है, तुम्हें पता है कैसे बैठते? मतलब खाली टॉवल पहनी थी और कुछ नहीं पहना था तुमने? नहीं। और तुम बैठते किस तरह से हो तुम्हें पता है ना? कैसे बैठता हूँ? बैठ के दिखाओ मैं कैसे बैठते हो। ऐसे पहले ऐसे ही बैठा था, फिर ऐसे बैठ गया था,
बोबी तो तुम्हें पता है ना क्या हुआ होगा फिर? अरे यार वो तभी शरमा रही थी, बार बार ऐसे स्त्री करते जा रही थी, बार बार देखती है, बार बार शरमा रही थी, बार बार स्त्री कर रही थी, बार बार मैं टाऊं तो मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का। नहीं मेरा पता नहीं है, मुझे देख देख के शर्मा क्यों रही है यार। यार मैं फोन करूं छोड़ते हो गए, महान आदमी है आज के बाद तुम्हें नहीं मिलेगा कभी पहनने के लिए। हेलो, हाँ मैम, वो मैम आपने गड़बड़ करवा दी। मैंने गड़बड़ करवा दी? मैं क्यों गड़बड़ करवाऊंगा? आपने ही कहा था अच्छा वाला कि कपड़े उतार दो, मैं इस्त्री करके दे देती हूँ। आपकी वजह से अंडरवियर भूल गया मैं, मेरी वजह से आपके हस्बैंड से लड़ाई हो गई है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। उन्होंने वॉचमैन से भी पूछ लिया कि कौन आया था, नाम भी पता कर लिया उन्होंने मेरा। अरे मैंने साइन किए थे ना, हाँ वो एंट्री पे साइन किए थे, अपना फोन नंबर भी लिखा था मैंने। बेटा अब तुम्हारे इंटरव्यू पे FIR होगी, ठीक है मैम? हाँ जो आपके घर का हाल है वही मेरे घर का हाल है, मेरी बीवी मुझसे लड़ रही है मैम। इसको चलिए आप अपना देखिए, मैं अपना देखता हूँ, मेरे को भागना पड़ेगा, आपके हस्बैंड मेरे को मारने आ रहे हैं। मैम उन्हें रोक लीजिए, समझा दीजिए ना सब कुछ। लो मैडम के घर में और चेनार होती है। बेवकूफ आदमी के साथ यही होना चाहिए। चड्डी प्रेस करने के लिए कौन देता है? कभी चड्डी पे प्रेस होती है तुम्हें पता है? हम मालूम है तेरे बाप को, मत सिखा चल। अरे वो गीला था ना इसीलिए कर रही थी। तो दो मिनट के लिए पहन के आ जाते, वैसे तुम कभी भीगे नहीं आते, कभी भीग जाते तो आते हो ना। उन्होंने तो ये सैंडो भी सुखा के दिया, सब कुछ सुखा के दिया उन्होंने। तुम्हारे ऊपर प्रेस नहीं मारी, तुम गीले थे तुम्हारे पे प्रेस मार देती। उनको बड़ा शौक लगता है अंडे पे प्रेस करने का, शर्म नहीं आती आदमी के कपड़ों पे तरह प्रेस करते? बेवकूफ तुम, बेवकूफ वो महा बेवकूफ। मेरे को भी अच्छा लग रहा था, मुझे नॉटी अमेरिका की मूवी याद आ गई थी, मिया खलीफा की नॉटी अमेरिका। अरे बाबा उसमें वाह बेटे, आने दो उसके हस्बैंड को। बेटा तुम भागो यहाँ से, तुम्हारे पीछे भागूंगी मैं, कहूंगी हाँ यही बंदा है यही रहता है जो तुम जो मुझे छुपा लो ना। कहाँ छुपाऊं तुम्हें, उसके हस्बैंड को बताऊंगी, वो तुम्हारे घर में अंडा वेयर जो छोड़ गया है ना वो बंदा, वो यही है मेरा हस्बैंड है, पकड़ो मारो उसको। अरे तो एल लग गए। मैंने ना अपनी जवानी के दिनों में नॉटी अमेरिका की मूवी देखी थी मैंने, उसमें देखा था बॉस ले जाती है ऐसे पकड़ के, उसके कपड़े वगैरह सुखाती है। कुछ गलत नहीं किया पर मैं थोड़ा सा फैंटेसी हो गया था मैं। फैंटेसी के बच्चा तुम्हें फैंटेसी लिख लेगी, और उसने आने दो, आप बोलूंगी नॉटी अमेरिका बच्चा देखा था इस बंदे ने, यही कांड तुम्हारे घर में करके आया, ये इसको मारो पीटो डंडे से मारो जूते से मारो। कोई करके नहीं आया, कोई कांड करके नहीं आया, अंडर भी रह गया। अंडर छोड़ के आए हो और मुझे पता है अंडर छोड़ के आए और क्या करके आए हो? टपा टप टपा टप टप। और क्या छोड़ के आऊंगा? आने दो उस बंदे को। और क्या छोड़ के आऊंगा वहां पे? अपनी इज्जत छोड़ के आई हो, ठीक है ना? मतलब आंखों से उन्होंने देख लिया तो इज्जत चली गई मेरी? चली गई। अबे यार क्या बात कर रही हो यार तुम यार। अब तुम्हारे अंडा बंदा फॉरेंसिक लैब के लिए जाएगा, टेस्ट होंगे सारे उस पे, ठीक है ना? इस बंदे का ये वो सारी डिटेल लिख लेगी तुम्हारे, अब पिछवाड़े पे पड़ेंगे तुम्हारे डंडे। जाओ बेवकूफ आदमी, ये नहीं बोल रही हूँ मतलब कहाँ पे उतारा था, किस जगह पे उतारा था, कैसे हालातों में उतारा था, ये पूछ रही हूँ। प्यारी समझ गई, कहाँ थी और तुमने उनको दिया कैसे था? यार ये कौन सी बात हुई, बाथरूम में गया था पहले मैं कपड़े चेंज करने, मैं टॉवल पहन ली, ठीक है सारे कपड़े लाके मैडम को दे दिए, सुबह बैठ गया, आप कह रही बाथरूम में जाओ अंडरवियर भी दे दो, मैंने को देर हो रही, मैडम कह रही दो नवीन अंडरवियर, उन्होंने तो हाथ ही डाल दिया उसी टाइम पर नंबर, तो मैं ऐसे कर गया ना, मैंने मैम एक मिनट रुको, कुछ भी टॉवल लपेटी फिर दी अंडरवियर मैंने, उन्होंने मेरा हाथ खींच के चलो आ जाओ टॉवल पहन ली, तो मुझे खींच के ले गई, पता नहीं बच्चों की तरह ट्रीट कर रही थी, मुझे भी थोड़ा अच्छा सा लग रहा था। अच्छा लग रहा था ना बेटा, अब तुमको और ज्यादा मजे आने वाले हैं, अब और मजे आएंगे, ठीक है? जिंदगी में कच्चा पहनने से डरोगे तुम? थोड़ा मुझसे उम्र में बड़ी है ना, 4-5 साल, तो थोड़ा सा वो मैच्योर वाली फैंटेसी
आ रही थी। अरे तुम फैंटेसी रख लो यार, अपने अंदर बता रही, गुस्सा आ रही, फोड़ फाड़ दूंगी। अब पिटोगे उस बंदे के आने का इंतजार कर रही हो? क्या कर? मैम ये कह रही थी कि अब तुम देख लेना, पता नहीं घर से बाहर निकलो वो बाहर ही नहीं खड़े हो, मेरे को ये डर लग रहा है। बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई, दिन बचा लो, मुझे बचा लो प्लीज यार, प्लीज बचा लो ना। कांड करके आए हो, मैं नहीं बचा सकती। सुनो मैं क्या कह रहा हूँ, तुम अब एक काम करो, एक प्लान बनाते हैं। तुम, मैं जैसे ही नीचे निकलूंगा ना, नहीं नहीं मैं अपने नहीं, अपने इस अंडरवेयर कांड में मुझे भी शामिल कर लो। सुनो सुनो, तुम क्या करो, तुम मेरी टी शर्ट पहनो, जीन्स पहनो, तगड़ी तो हो मुझ जैसी दिखोगी नेकार। एक जीन्स पहन, वो जीन्स पहनो मेरी मैंस, एक टी शर्ट पहनो, कैप लगाओ, और तुम क्या करो, घर से एकदम गेट खोल के ना बाहर निकलो। अगर वो होगा तो तुम्हारे पीछे भागेंगे, ठीक है? मस्त प्लान है। फिर तुम जब तुम्हारे से कोई देखे तो तुम तो पिटवा देना, लड़की को छोड़ रहा, लड़की को छोड़ रहा है। और उन्होंने जूता फेंक के मार दिया तो मुझे? नहीं तो तुम तो लड़की हो ना, कैप उतार देना। कैप उतारूंगी ना, सर लिया करो। तुम इधर भागना, वो तुम्हारे पीछे भागेंगे, मैं दूसरी अपोजिट साइड भाग जाऊंगा, सो ही बचे आऊंगा। पागल समझ रखा है मुझे, पागल हूं मैं। बहुत तेज हो रहे हो, पति की इतनी हेल्प नहीं कर सकती है क्या? नहीं कर सकती। मैंने कुछ गलत थोड़ी ना किया, अंडर गलत किया है वहां ना? क्यों अंडर उतारा तुम्हें? घर पे आकर सुखाते ना, पहनाते थोड़ी देर और गीला। ऐसे तो हम कहीं तीर्थ स्थल पर जाते हैं तो तब भी तो कपड़े चेंज करते हैं, टॉवल पहनते हैं, अंडरवियर पहनते हैं, कोई ना कोई देख लेता तो इज्जत टूटी जाती है। वहां किसी से प्रेस नहीं करवाते हैं, ठीक है ना? जे बात, किसी ने देख लिया तो इज्जत चली गई मेरी। हाँ चली गई इज्जत, अरे चाय जल गई होगी यार। चाय भी जल गई रे, अभी दिखाते हैं इसको अंडरवियर। बेटा आज तुम पेंसिल भूल गए, अभी रिसेंट में वो बोतल भूल गया था, तुम बोतल भूल गए, तुम्हारी नई बोतल नहीं दिलाएंगे, अब तुम बिना बोतल के जाओगे। तो बेटा तुम अंडरवेयर भूल गए, अब तुम बिना अंडरवेयर के जाओगे, जाओ। हाँ तो जैसे तू दिलाती है। दिलाऊंगी का, धोऊंगी नहीं, धोता कौन है, धोती तो मैं हूं ना। जाते मुंह में चला चल गया, जा रही चढ़ी चली आ रही, चढ़ी चली आ रही है, सकरी आ रही है। दोस्तों चलिए, वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट प्रैंक में। इतनी लंबी चौड़ी स्टोरी बना दी तुमने यार, तुम्हारी जो मैम होगी ना कल बताऊंगी मैं फोन करके, इनके पर प्रैंक किया तुमने इतना गंदा। अबे वो खुद देख लेंगी तो मेरी खटिया खड़ी कर देंगे, सही में बता रहा हूँ। अगर उन्होंने देख लिया मेरा प्रैंक, देखती है वैसे वो, सही है। पर पता है मैं उन्हें कैसे, मैं कैसे उन्हें मतलब कर दूंगा। एक मैम है, एक सीनियर मैम है, उनके नीचे दो मतलब और मैम है, पर वो मेरी भी सीनियर है, तो मतलब ऐसे तीन चार हैं। तो मैं, अगर मुझसे कोई पूछेगा तुमने मेरे ऊपर प्रैंक किया, मैंने कि नहीं मैम उन वाली मैम के बाद, मैंने कि मैम नहीं सोनिया मैम, मैं कहूंगा नहीं मैम प्रीति मैम। बड़ा हरामी हो बेटा, ऐसे करके मिस कर दिया। वो मैम जो नवीन से थोड़ी सी बड़ी है, क्योंकि तुमने बोला था ना वो मुझसे थोड़ी सी बड़ी है उम्र में, तो ऐसे तो सब थोड़ी सी बड़ी है, ऐसे तो एक सीनियर मैम है वो छोटी भी है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को दबा के शेयर करो, लाइक करो, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट प्रैंक में, और नेक्स्ट प्रैंक में काटते हैं इसका ऐसे ही बकरा, काटते रहेंगे, डॉलर कमाते रहेंगे, ठीक है? चलिए।